फाइटर फिल्म आ गई है और सच कहूं तो फिल्म अच्छी है। जैसे सोचा था वैसे तो नहीं है, पर फिर भी फिल्म अच्छी है भाई। मैंने फाइटर फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू दिया था और उसमें मैंने बताया था कि फिल्म की स्टोरी कुछ रियल इवेंट से इंस्पायर्ड होने वाली है, तो फिल्म की स्टोरी काफी हद तक उससे मिलती जुलती है। फिल्म स्टार्ट होने से पहले ही एक डिस्क्लेमर दिया जाता है कि ये फिल्म फुल ऑफ फिक्शन है पर रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। अब ये फिल्म कैसे फिक्शन है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। वैसे बता दूं कि स्पॉइलर हो सकते हैं। तो फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि एक एयरफोर्स की यूनिट है और उस यूनिट का नाम है एयर ड्रैगन, जिसमें होते हैं पैटी, हृतिक रोशन, मिनी, दीपिका पांडुकोन, सरताज गिल, करण सिंह और दूसरे भी कुछ होते हैं। और इनका जो हेड होता है वो है रॉकी और उसका कैरेक्टर प्ले किया है अनिल कपूर ने। तो हम शुरू में देखते हैं ये सारे के सारे एक दूसरे को जानने में लग जाते हैं और इंजॉय करते हैं और ट्रेनिंग भी करते हैं। दूसरी तरफ एक टेररिस्ट ग्रुप जिसका मास्टरमाइंड होता है अजहर अख्तर और इसकी सपोर्ट होती है पाकिस्तान मिलिट्री की, तो ये सब पुलवामा में अटैक करते हैं। ऑब्वियसली ये इवेंट रियल लाइफ से लिया गया है जो कि 2019 में ये हुआ था। तो अब इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कि वो उसका जवाब दे, मींस के पुलवामा में जो अटैक हुआ था ये उसका बदला लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर एयर ड्रैगन जो यूनिट होती है वो भी तैयार होती है और वो भी चाहती है कि वो बदला लें। एयर ड्रैगन तो ये सब जाते हैं बालाकोट और वहाँ मिलिटेंट बेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मींस के एयर स्ट्राइक करते हैं। फिर पैटी को यहाँ एक पाकिस्तान के सबसे काबिल पायलट का सामना करना पड़ता है जिसके पास F-16 जेट होता है। तो ये दोनों सीन्स रियल इवेंट से इंस्पायर्ड हैं, बट यहाँ पर जो फिक्शन है वो ये है कि जब बालाकोट में ये एयर स्ट्राइक करते हैं तो इनका सामना एक पाकिस्तानी पायलट से होता है, जो कि ये एक फुल ऑफ फिक्शन है। देन फिर दूसरा इवेंट देखते हैं जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान का वही काबिल पायलट और उसकी यूनिट एक इंडियन जेट को मार गिरा कर उनके दो साथी को पकड़ लेते हैं। अब ये सीन रियल लाइफ से लिया गया है बट यहाँ उन्होंने एक फिक्शन तौर पर पेश किया है। रियल लाइफ में पाकिस्तान ने एक पायलट को पकड़ा था बट उसको बाद में आजाद भी कर दिया था, बट फिल्म में दो पायलट दिखाए गए हैं जिसमें पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक को आजाद करती है पर उसकी सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडी ही भेजते हैं और दूसरे को आजाद नहीं करते। फिर उसको आजाद कराने के लिए लास्ट में जो एक्शन दिखाया गया है कि ये कैसे एयर ड्रैगन यूनिट उसको आजाद करवाते हैं। तो ये जो मेन सीन है इस फिल्म में वो तीनों के तीनों रियल लाइफ से लिए गए हैं, बट इसमें जो है ना फिक्शन की गई है और ये बात हमें फिल्म में भी बताई गई है। तो भाई फिल्म में मेनली यही स्टोरी है और आपको यही चीज मजा देगी और जो भी सीन है वो इतने खास नहीं है और ना ही ज्यादा कोई इफेक्ट करते हैं, बस फिल्म की टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए वो स्टोरी एड की गई है। अब बात करें फिल्म के एक्शन की तो भाई हाँ, फिल्म का एक्शन सीक्वेंस बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये एक्शन फिल्म है तो एक्शन तो इनको अच्छा बनाना ही था। तो एक्शन से मींस के जो हवा में फाइटर्स जेट्स का एक्शन दिखाया गया है वो बहुत ही अच्छा है और उसका रीजन ये है कि फिल्म में जो VFX यूज किए गए हैं या फिर उन पर जो काम किया गया है वो बहुत ही अच्छा किया गया है। वैसे ये फिल्म इंस्पायर्ड है टॉम क्रूज की टॉप गन से बट उसकी कॉपी नहीं है, हम इस फिल्म को टॉप गन से कंपेयर नहीं कर सकते। बट एक बात है, ऋतिक रोशन का जो करेक्टर है वो बिल्कुल आपको टॉप गन में जैसे टॉम क्रूज का करेक्टर था तो वही करेक्टर आपको इस फिल्म में ऋतिक रोशन का देखने को मिलेगा, आपको थोड़ी बहुत वो वाइब देखने को मिलेगी। वैसे ऋतिक रोशन पर ये करेक्टर बहुत ही सूट करता है, सच में वो इसमें बहुत ही कमाल का है, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा इस तरह का करेक्टर कर सकता था। तो भाई अगर आप ये फिल्म देखने जाते हो तो जाओ देखो, बट ये मत सोच के जाना कि टॉप गन वाली ही फीलिंग आएगी, बस ये सोच के जाना कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना है, क्योंकि ये फिल्म भी सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छा एंजॉय करवा सकती है और कुछ भी नहीं। और हाँ एक बात, लोग फिल्म देखने भी एंजॉय ही करने जाते हैं और फिल्म को ज्यादा दिल पर मत लेना क्योंकि ये फिल्म कोई रियल इवेंट शो नहीं करेगी और ये प्योर एक फिक्शन स्टोरी है। बस इस फिल्म के एक्शन का मजा लो क्योंकि ऐसी एक्शन मूवीज इंडिया में ना के बराबर हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये इस तरह की पहली फिल्म है। थोड़ा टेस्ट चेंज कर लो क्योंकि ये बहुत ही अलग है, आपको ये फिल्म बोर भी नहीं करेगी और आप फुल ऑफ एंजॉय करोगे। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।